Hello everyone, welcome back to my channel Science Tutorial 04. So in this video I'm going to begin with the next topic, which is the diseases arising from chromosomal abnormalities. Last videos में मैंने cover किया था Mendelian disorders, जिसमें कुछ हमने autosomal linked पढ़े थे and कुछ sex linked पढ़े थे. Similarly इसी criteria से यहाँ पे भी बात करेंगे diseases arising from chromosomal abnormalities में कुछ हम लोग autosomal linked पढ़ेंगे और कुछ sex linked. Autosomal linked and सेक्स लिंक्ड. ऑटोसोमल लिंक्ड में हम लोग केवल डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, डाउन्स सिंड्रोम. एंड सेक्स लिंक्ड में हम लोग दो पढ़ेंगे, नाइल फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. डाउन सिंड्रोम के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा. एंड नाउ आई एम स्पीडिंग अप द कंटेंट सो दैट जल्दी से जल्दी ये चैप्टर फिनिश हो सके, बिकॉज इट्स बीइंग टू लॉन्ग दैट आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड इट्स गोइंग ऑन. ओके, तो जल्दी से जल्दी मैं अब ये चैप्टर वाइंड अप करूंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों टॉपिक्स कवर कर दूंगी. ठीक, ऑटोसोमल लिंक में डाउन सिंड्रोम. ऑटोसोमल हमें पता है, सेक्स लिंक भी हमें पता है क्या होता है. देन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बेबीज who are suffering with this disease, उनमें 21st क्रोमोजोम में यानी कि ऑटोजोमल क्रोमोजोम में 21st क्रोमोजोम में तीन क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, ट्रिप्लो फॉर्म होगा, ट्रिप्लो एड 21 21st क्रोमोजोम. इसको इस डिसीज को ट्रिप्लो 21 भी कहते हैं, बिकॉज 21st क्रोमोजोम में तीन क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं. अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दो पेरेंट्स में से, जैसे 23 क्रोमोजोम्स फ्रॉम फीमेल एंड 23 क्रोमोजोम्स फ्रॉम मेल आर फ्यूज्ड एंड आर कैरी टू द नेक्स्ट जनरेशन टू ऑल, तो 46 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म ना इन दैट कंडीशन. बट इस केस में 47 फॉर्म होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो 21st क्रोमोसोम में केवल दो क्रोमोसोम होने चाहिए थे, वहाँ पे बेबी में थ्री क्रोमोसोम्स दिखने को मिलेंगे. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ डिसजंक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि इधर फ्रॉम फीमेल और फ्रॉम मेल कोई एक क्रोमोसोम होगा जो कि पूरा पेयर में ही आगे बढ़ जाएगा, आगे की जनरेशन में वो अलग नहीं हो पाएगा. ठीक, दैट डजेंट शोज डिसजंक्शन, यानी कि डिसजंक्शन शो नहीं करे, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, यानी अलग नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह से ट्रिप्लो एट 21st क्रोमोसोम देखने को हमें मिलेगा. अब बात हो गई इसके पूरे कॉन्सेप्ट की. अब बात करते हैं कि अब जो पर्सन, जो बेबी है, व्हेन द बेबी इज सफरिंग विद दिस डिसीज, देन तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि बेबी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन शो करेगा प्लस हार्ट डिसीजेस शो करेगा. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ये डाउन सिंड्रोम का टॉपिक मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स वाइंड अप कर दूंगी एंड बहुत जल्दी इस चैप्टर को भी पूरे वाइंड अप कर दूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ द वीडियो हेल्प यू, प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, विजिट टू माई प्रीवियस वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर ईयर वंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.